विधायक ने क्यों बोला दो कौड़ी के दरोगा। सुल्तानपुर में सत्ता की हनक से जुड़ा ऑडियो वायरल। बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने फोन पर दरोगा से की क्या बदसलूकी। जूते से मारने की क्या थी धमकी। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक राजेश गौतम का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसकी पुष्टि न्यूज वर्ल्ड इंडिया हरगिज नहीं करता है, मगर जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसने पूरे यूपी में कोहराम मचा दिया है, क्योंकि इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि विधायक कादिरपुर कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर एक व्यक्ति के प्रमाण पत्र लिखवाने के लिए पद की ध्वस दिखाते हुए विधायक अपना आपा खो देते हैं, क्योंकि जब दरोगा आनाकानी करता है तो फिर सत्ता की ताकत दिखाते हैं। सुनिए क्या कहा विधायक ने दरोगा से इस ऑडियो में। हेलो, हाँ संजय प्रसाद जी बोल रहे हैं, कादीपुर एस आई साहब जी। हाँ नमस्कार, मान्य विधायक जी बात कर रहे हैं। हाँ संजय प्रसाद जी सर, जय हिंद। वो प्रमाण पत्र योगेंद्र प्रताप सिंह का लिखना था, लक्ष्मणपुर। योगेंद्र प्रताप सिंह का प्रमाण पत्र लगना था जी सर। तो क्या वो लगाया आपने प्रमाण पत्र? उसमें सर उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा संजय प्रसाद? तुम लोग दो कौड़ी के दरोगा ली, 1,500 रुपए लेकर के तुम लोग अभी आज औकात लाता हूँ, बैठ के वसूली बनाए क्या कोतवाल बना के बैठ के? 1,500 किस बात का लिया बे? किस बात का पैसा लिया? कौन पैसा लिया? किस बात का पैसा लिया? पैसा कौन निकाल के चूता भाई आके मारना शुरू करूँ ना हम वर्दी सामान, लेकिन तुम लोग मारे एकदम कन्नवा दिए हो। जाके बाबू साहब जाते हैं, 90 का पावा लगा हुआ और 1,500 पल्ली में तुम लोग बिक जा रहे हो। हम नहीं लिख पाएंगे साहब, हमारा ट्रांसफर करा दीजिए आप, हम नहीं लिख पाएंगे। नहीं 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 लिख पाओगे, पैसा किस बात के लिए? हम क्या पैसा लिए हैं? पैसा किस बात के लिए? हम पैसा अभी आता हूँ, अभी पैसा किस बात के लिए? 1,500 रुपए हम पैसा नहीं लिए हैं, अभी अभी बताता हूँ तुमको पैसा। तुम दो कौड़ी तुम हमारे गाली मत दीजिए साहब, बता रहा हूँ गाली मत दीजिए। वर्दी को बदनाम क्यों हो बैठ कर? हम बदनाम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बदनाम तुम 1,500 रुपया दो लियो ना, अभी साथ में देता हूँ। अभी गाली देना किसी को? अभी गाली नहीं, अभी अभी आता हूँ इसको। तो तुम लोग जो 1,500 पूरा गन्नवा दियो ना, अभी बताता हूँ तुमको। सुना आपने, दरोगा ये कहते हैं कि व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा है, हम रिपोर्ट नहीं लगा पाएंगे। इस बात पर विधायक आग बबूला हो उठते हैं, दरोगा से फोन पर जूतों से मारने की धमकी देते हुए सुनाई देते हैं। कौन पैसा लिया? किस बात का पैसा लिया? पैसा कौन निकाल के चूता भाई आके मारना शुरू करूँ ना हम वर्दी सामान, लेकिन तुम लोग मारे एकदम कन्नवा दिए हो। जाके बाबू साहब जाते हैं, 90 का पावा लगा हुआ और 1,500 पल्ली में तुम लोग बिक जा रहे हो। हम नहीं लिख पाएंगे साहब, हमारा ट्रांसफर करा दीजिए आप, हम नहीं लिख पाएंगे। नहीं 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 लिख पाओगे, पैसा किस बात के लिए? हम क्या पैसा लिए हैं? पैसा किस बात के लिए? अभी पैसा किस बात के लिए? 1,500 रुपए हम पैसा नहीं लिए हैं। आपको बता दे ये पूरा मामला कादिरपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कोतवाली में तैनात दरोगा संजय प्रसाद को कादिरपुर विधायक ने कॉल की, दरोगा ने सम्मान देते हुए कहा जय हिंद सर। दूसरी ओर से विधायक ने कहा योगेंद्र प्रताप सिंह का प्रमाण पत्र लिखना था, क्या हुआ लगाया आपने? जिस पर दरोगा ने जवाब दिया उनके खिलाफ मुकदमा है। बस इतना सुनते ही विधायक आपा खो बैठे और कहा कि दिमाग खराब है क्या तुम्हारा संजय प्रसाद? सुनिए। हेलो, हाँ संजय प्रसाद जी बोल रहे हैं, कादीपुर एस आई साहब जी। हाँ नमस्कार, मान्य विधायक जी बात कर रहे हैं। हाँ संजय प्रसाद जी सर, जय हिंद। वो प्रमाण पत्र योगेंद्र प्रताप सिंह का लिखना था, लक्ष्मणपुर। योगेंद्र प्रताप सिंह का प्रमाण पत्र लगना था जी सर। तो क्या वो लगाया आपने प्रमाण पत्र? उसमें सर उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा संजय प्रसाद? इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मगर दावे के मुताबिक विधायक ने ये तक कह दिया कि तुम लोग दो कौड़ी के दरोगा हो, 1,500 रुपए में बिक जाते हो, लोगों को आज तुम्हारी औकात बताता हूँ। वहीं इस मामले में ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक एसपी सोमेन वर्मा से मिलने जा पहुँचे। उनके ऑफिस में एसपी से मुलाकात की और मीडिया को विधायक ने ये सफाई दी कि ऑडियो वायरल हुआ है, हमको भी जानकारी मिली है। एक हफ्ते में एक व्यक्ति चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहा था, कोतवाल से भी कह दिया, उसके बाद भी दरोगा ने 5,000 में सौदा कर उससे 1,500 रुपए ले लिए। हमने उनसे यही कहा था कि आप वर्दी पहने हो, उनकी कई शिकायतें आई,
हमारे संगठन के लोगों ने शिकायत की, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। विधायक सफाई दे रहे हैं मगर ऑडियो किसी और बात की पुष्टि कर रहा है, तो क्या माने विधायक ने सत्ता की ताकत में आपा खो दिया? सवाल ये भी कि क्या विधायक का बर्ताव सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।